सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राज वर्मा रिएक्ट। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है कनाडा रिसर्च का वीडियो है गाइस, वो है नासा एंड पार्क शॉक्ड ऑन चंद्रयान 3 डिटेक्टेड एग्जस्ट। तो लैंडिंग से पहले इसरो ने दुनिया को सदमे में डाला, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन पोर्कियो का भी क्या रिएक्शन है एंड क्या दिखाते हैं हमारा चंद्रयान 3 के बारे में। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक रहना, वीडियो में जो भी नहीं है गाइस प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे और आप देखकर अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर कर पाए, अपने नॉलेज भी ले पाए। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड गाइस चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। 71 में हमारे साथ क्या हुआ है? कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? कितने जूते पड़े हैं हमें? हाँ, जूते पड़े, हार गया। बात है, जूते पड़े हैं भाई। ये यहाँ से खुदा जो है वो बड़ी देर का जा चुका है, खुदा बड़ी देर का जा चुका है। आप समझते हैं आप पाकिस्तान को खलाई तहकीक पर भी काम करना चाहिए या फवाद चौधरी साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं अभी उसके मुताबिक सिर्फ अवामी फलाह पे ही काम होना चाहिए? हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हमको तहकीक करें। साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर है ना, वो कोई ऐसा है जिसको ये पता हो कि हमने ये भी करना है? यहाँ से बैठ के चांद नहीं देखना, हमने चांद पे जाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। चांद पे जाने के लिए सीरियल में जाना पड़ेगा भाई, स्कूटर लेके। $3 trillion इकोनॉमी है या फिर सपने में जा, जिसके पास तकरीबन $500 billion कैश पड़ा है। कश्मीर से बिलोंग करता हूं मैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। अच्छा, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे हो? या जाहिर है इंडिपेंडेंस तो है नहीं मेरे ख्याल में। खुदा बड़ी देर का जा चुका है क्योंकि इस मिट्टी का रंग रेड है, क्योंकि इस मिट्टी जो है इसमें खून खराबा होता है, इसमें कत्ल होते हैं, इसमें कत्ल वगारत है। बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? बाहर चांद पे क्रैश करना, सालम पहुंचना या टूट के पहुंचना, मेरा ख्याल अचीवमेंट है। आज तक कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया, कभी कोई पाकिस्तानी प्रेसिडेंट नहीं गया साउथ अफ्रीका। इंडिया प्राउड फील करेगा और हम भी प्राउड फील करेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गया। मिडिल ईस्ट, दुबई जैसे, यूरोप जैसे कंट्रीज इंडिया से चीजें लेती हैं, पाकिस्तान का बायकॉट क्यों किया उन्होंने? वो मुखलिस है, हम दो नंबर है। क्या बोल दिया बंदे बेटा, दादाजी ने बेईमानी से आगे आए, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। यही बात इंडिया ने कही है और उनको यही कहनी चाहिए थी कि जी 95% 97% इसकी मिशन अकम्प्लिश्ड और अगली दफा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब गैर मुस्लिमों का यही चाल है ना कि यार मुसलमानों को जो है ना पीछे छोड़ो। हाँ जी, ये उनकी यही चाल है, उस चाल में हमारे जो है ना ये सियासतदान भी आए हुए हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर, आपने क्या लॉजिक वाली बात की है, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। ये मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। क्या अरे जबरदस्त बात कही, क्या बेचारे उसकी बेइज्जती कर दी यार। बाकी जो जंगे हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं, ठीक है। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है? और उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है? कितने जूते पड़े हैं हमें, ठीक है, सीधी बात है जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है? कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। मुशर्रफ साहब ने तो बकायदा बोला है कि मैं तो इंडिया के उन एरियाज में उतरा और वहाँ पे उतर भाई के मैंने। मुशर्रफ साहब तो पहले नंबर पे बात कर ही नहीं सकते क्योंकि जो कायद है हमारे जिना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि फौज का काम है सरहदों तक, ऐसे ही सिविलियंस ने पॉलिसीज बनानी है। हाँ। और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल ऐसे ही। ये कब से होने लग गया कि वो बना रहे हैं पॉलिसी और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये उल्टा क्यों हुआ, हमने कायद को क्यों छोड़ दिया? अब देखे ना शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम ये आखिरी जो तकरीर की है, जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए थे, कहते हैं कि जनरल साहब आपने मुझे प्लान दिया। अब यार एक पॉलिटिशियन प्लान देता है, एक लीडर प्लान देता है, उसने प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं प्लान दे रहा हूँ। यार तुम किस जगह का प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा लग रहा था मुगलपुरे का प्राइम मिनिस्टर है वो। ले भाई, भाई आपने प्लान देना, आप सियासतदान हो भाई। देखो जो सियासतदान होता है लीडर होता है वो प्लान देता है अपने को, लीडर वो होता है, वो प्लान देता कौम को और उसने इंप्लीमेंट करना होता है। और दूसरे नंबर पे देखे ना पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है, यूएसए की फौज भी कारोबार नहीं करती, इस टाइम सुपर पावर है, चाइना की फौज कारोबार नहीं करती। हफीजुल अन्यायी साहब
इन सब बातों के अलावा फवाद चौधरी साहब ने जो कैलेंडर वाला मामला था, चांद देखने से मुतालिक जो उनका उस मामले के ऊपर मौकिफ था, उस पर काफी उनकी तारीफ भी हुई, उन्होंने बहुत क्लियर की बहुत सी चीजें। आप समझते हैं अब पाकिस्तान को खलाई तहकीक पर भी काम करना चाहिए या फवाद चौधरी साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं अभी उसके मुताबिक सिर्फ अवामी फलाह पर ही काम होना चाहिए, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हमको तहकीक करें? पहली बात तो यह है कि मैं अपने चारों साथियों की जो बात है उसका जो लब लबाब है उसमें मैं भी वही एक बात करूंगा कि तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। एक मुल्क जिसकी $3 trillion इकानमी है, जिसके पास तकरीबन $500 billion कैश पड़ा है, जिसने $100 million के लगभग एक मिशन जो है चंद्रयान टू जो है वो स्पेस पे भेजा है, जिसका अल्टीमेट विक्रम लैंडर जो है जिसने लैंड करनी थी और उसके बारे में जब वो लैंड किया तो जो इन टर्म्स ऑफ टाइम है तो 2 मिनट्स और कुछ सेकंड्स रह गया था। एक तस्वीर ये भी है कि शायद वो चांद पे क्रैश कर गया हो। बहरहाल चांद पे क्रैश करना, सालम पहुँचना या टूट के पहुँचना मेरा ख्याल अचीवमेंट है। यही बात इंडिया ने कही है और उनको यही कहनी चाहिए थी कि जी 95% 97% मिशन अकम्पलिश्ड और अगली दफ़ा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमें ये भूल जाते हैं कि जब 50 की दहाई में रूस से शुरू किया था ये काम तो कितने फेलियर्स हुए थे, इवन बेसिक स्पेस में जाने के लिए भी फेलियर्स हुए थे और कई दफ़ा वो छोड़ते थे पता नहीं था चलता था कहाँ चले गए। तो ये हमेशा जिसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर पे ये मिशन कामयाब हुए। ठीक है हमें जनरल नॉलेज ज़्यादा है लेकिन मत भूलें कि जो मिशन इंडिया ने $100 million के लगभग भेजा है यही मिशन नासा और रूस जो है ये तकरीबन 4 गुना ज़्यादा, इवन चीन जो है वो जिसे सस्ता बनाया इसे 2.5 times ज़्यादा भेज चुका है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। तो क्या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को अलग किया था वो मकसद हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं बेटा, हम जब तक कायदे आज़म थे ना उस वक्त हमारी आज़ादी थी, लियाकत अली खां के बाद हम गुलाम दर गुलाम 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 है बेटा, हम के गुलाम सूद के गुलाम है, अल्लाह के दुश्मन है, कर्जे का गुलाम है। हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, हम वो काम कर रहे हैं तो लिहाजा हम गुलाम है। सर इंडिया से अलग हुए थे, इंडिया तरक्की कर गया? हाँ वो इसलिए तरक्की कर गया बेटा, वो बड़े ही अपने लिए एक हैं, हम अपने लिए एक नहीं, हम छुरी मार रहे हैं, हम एक दूसरे को काटने वाले हैं बेटा, हम एक नहीं हो सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते, दिन ब दिन पस्ती आले में जाएंगे बेटा। हमें चाहिए इस वक्त कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन आए, उसको सारी हकीकत का पता है, वो हमें चलाए। सर एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरियाती चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्याज, चावल, गंदम, टमाटर वगैरह, इस तरह की चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता दुनिया को। अभी इंडिया ने अभी ऐलान किया है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर प्याज पे भी बैन लगा सकता हूँ क्योंकि प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। यहाँ पर आप देखें हमारे क्या हालात हैं और वो मिडिल ईस्ट, दुबई जैसे, यूरोप जैसे कंट्रीज इंडिया से चीज़ें लेती हैं, पाकिस्तान का बायकॉट क्यों किया हुआ उन्होंने? वो मुखलिस हैं, हम 2 नंबर हैं ले भाई, हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ नहीं है। अगर हमारे साथ अल्लाह होता दिए से दिया जाता सारे खुशहाल होते हैं। अल्लाह उनके साथ है क्योंकि रब्बुल आलमीन है ना, वो तमाम कायनात का रब है, इसलिए हम उसमें बहस नहीं कर सकते। अल्लाह उन पे राजी है, हम पे नहीं राजी। हम तो कहते हैं हम तो अफजल हैं उनसे। नो 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 नो, जो अल्लाह के अहकामात और नबी के अहकामात को पूरा करेगा और इंसानियत के अहकामात को पूरा करेगा वो नंबर वन है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। एंड दोस्तों बिल्कुल दादाजी ने बिल्कुल सही बात कही है, अगर लीडरशिप अच्छी हुई ना तो हर कोई देश तरक्की करेगा, अगर लीडरशिप अच्छी नहीं हुई तो हर कोई देश डूबता ही रहेगा एंड डिफॉल्ट में जाता ही रहेगा। आज पाकिस्तान क्या है, हर जगह से कर्जा लिया हुआ है, हर जगह से, कोई ऐसा चीज नहीं छोड़ा जिसमें वो कर्जा नहीं लिया हुआ। अगर वो कहीं भी जाता है तो लोग उस देश को डर लगता है कि यार आकर अब मांगना शुरू ना कर दे, क्यों? क्योंकि उसने लीडरशिप हर जगह से मांगना सीखा है ना, कहीं जाकर बिजनेस करना नहीं सीखा है, डील करना नहीं सीखा है, अगर मांगना सीखा है तो हर कोई देश उससे बॉयकॉट करेगा ही करेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोग का जो भी थॉट्स है
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। एंड गाइस जो भी इस वीडियो पर नए हैं जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे और शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।